नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में बड़ा खेला दो दो बार हो गया। एक बार वो खेला महागठबंधन की सरकार टूटकर एनडीए की सरकार बिहार में बनी, और दूसरी बार एनडीए की सरकार में मौजूद लोगों ने आरजेडी के कई नेताओं को अपने बस में कर लिया। चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और बात करें तो नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, अब एनडीए का हिस्सा है। अब ऐसे में बीजेपी के भी कई विधायक कल नदारद थे, गायब थे, मगर देर सवेर वो फ्लोर टेस्ट में पहुंचे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव ने बड़ा आरोप कई लोगों पर लगा दिया है। मिश्रीलाल यादव से हमने बातचीत की है। बातचीत के दौरान बीजेपी के विधायक मिश्रीलाल यादव ने जो है आरोप लगाया है कि उनके बेटे का कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। देखिए, दरभंगा से आने वाले जो विधायक है मिश्रीलाल यादव, इन्होंने साफ साफ बड़ा आरोप अपने ही सरकार पर लगाया, अपने सरकार को घेरे में रखा है और बिहार पुलिस पर पैसे की उगाही करने का आरोप थाना अध्यक्ष पर इन्होंने लगाया है। मिश्रीलाल यादव ने कई बातें बताई हैं लाइव स्ट्रीम्स पर। क्या कुछ कह रहे हैं मिश्रीलाल यादव, जरा सुनिए। हमारे साथ हमारे फोन कॉल पर बीजेपी के विधायक मिश्रीलाल यादव मौजूद हैं। देखिए, मिश्रीलाल यादव ने ये कहा है कि उनके बेटे को जान की खतरा है। किससे खतरा है, क्या पूरा मांजरा है, हम मिश्रीलाल यादव जी से खुद जानेंगे। मिश्रीलाल यादव जी, क्या है पूरा मामला? आपके बेटे को लेकर आपने बयान दिया है कि उनको जान की खतरा है, किससे खतरा है, क्या हो गया? देखिए, मतलब हम लोग राजनीतिक परिवार, राजनीतिक करने वाले व्यक्ति हैं, पंचायत अध्यक्ष से लेके आज विधायक हैं। मैं मतलब कई बार पंचायत अध्यक्ष रहा, प्रखंड अध्यक्ष 3 बार रहा, जिला अध्यक्ष 10 साल तक रहा, 12 साल तक MLC रहा और अभी MLA हैं। पूरा लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करता हूँ, लेकिन आज के तारीख में मेरे परिवार को राजनीतिक तौर पर जानमाल का खतरा है। राजनीतिक तौर पर जानमाल का खतरा है। कहीं ना कहीं किसी के आंख का, किसी के मतलब किरकिरी बना हुआ हूँ। मतलब इतने छोटे ओहदे पर बनिहार का बेटा, मचरवाहा का बेटा थे, और मतलब जहाँ राजा का बेटा रहता है वहाँ चले गए, तो ये राजा घराना का जो लोग है वो उनके आंख का किरकिरी बने हुए हैं। कौन है राज घराना का लोग? अब मान लीजिए राजनीतिक चिंतक से राजनीतिक चिंतन करेंगे जी, तो क्या ये फ्लोर टेस्ट के बाद ये कार्रवाई हुई है? आप ना, ये फ्लोर टेस्ट में मतलब हम लोग सरकार के साथ हैं, बीजेपी में हैं, इससे इस घटना सबको कोई माने मतलब नहीं है जी। तो पुलिस से आपके बेटे को डर है? आपने ये भी कहा है कि आपके बेटे का एनकाउंटर कभी भी हो सकता है। हाँ, बोला था जो मतलब मैं गोली मार दूंगा। रजौली में जहाँ मतलब हमारा बेटा था वहाँ मतलब उसके साथ मारपीट हुई, कहा जो गोली मार देंगे। एक विधायक होने के नाते भी आपको मतलब डर लग रहा है? अब एक सवाल है, जो विधायक होने के नाते डर नहीं लग रहा है जी? डर मतलब अपराधी चरित्र का लोग, मारने वाले लोग, जो मनबरहू लोग हैं जी, वो तो मतलब किसी को मार सकता है जी। वो विधायक हो, MP हो, एक सज्जन व्यक्ति हो, किसी को मार सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपके बेटे ने भी कुछ गलती की थी, जो धमकी वगैरह किन्हीं को दी गई थी। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमारा बेटा किसी को धमकी नहीं दिया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको जी, जी, जी। मतलब एक लालधारी यादव है, उसका बेल्ट टूट गया था जी, और वो हमारे रिलेशन में है जी, और उनको मतलब इन्होंने दरोगा जी को फोन पर इतना ही कहा, जो ये मतलब पत्नी से झगड़ा था, अब कंप्रोमाइज हो गया है, बेल अगर टूट गया है तो इनको अवसर दीजिए, आइए मतलब बेल करा लेंगे जी। कहा जो ठीक है, लेकिन हमारा जो मतलब लालधारी यादव है उससे 40,000 रुपया मांग रहा था कि तुम दो तब हम छोड़ेंगे, तो इन्होंने कहा जो मतलब हमारा भाई जो है सो मुखिया है और अभी क्या कहते हैं MLA है, मुखिया है, बात हुई है, हम गरीब आदमी हैं कहाँ से देंगे। अरे चलो, बहुत बहुत हम मुखिया को देखे हैं, आई MLA का तो दिन रात देखते हैं। ये बात सब उनको कहा, जो 40,000 रुपया दोगे तभी तुम छुटोगे, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो।
और वो इनकार किया। बिहार पुलिस ने पैसे की मांग की थी मिश्री लाल जी, बिहार पुलिस के जवान ने पैसे की मांग की थी छोड़ने के लिए। नहीं नहीं दरोगा थाना अध्यक्ष ने किया, थाना अध्यक्ष ने केवटी का थाना अध्यक्ष ने पैसा की मांग की थी जी। तो क्या लगता है सरकार आपकी है फिर भी इस तरीके की घटना सामने आ रही है? नहीं नहीं सरकार हमारी है। हाँ। सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। हाँ। लेकिन कुछ जो सरकार को बदनाम करने वाले अधिकारी हैं जी, वो बदनाम करना चाहते हैं जी। कल जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तब आप लेट से पहुंचे थे मिश्री लाल यादव जी। अब एक बात देख रहे हैं जो कितनी बड़ी घटना है, मेरे मतलब घटना इसी के चलते मुझे लेट हो गया। अच्छा, इसी के चलते आपको लेट हुआ? लेट हो गया, परिवार मतलब थोड़ा तबीयत भी खराब था। हाँ। और इसी व्यवस्था में मतलब लेट हुई। क्या आला कमान से मिलकर इस बात की शिकायत मिश्री लाल यादव करेंगे बीजेपी के विधायक होने के नाते कि बिहार पुलिस ने भी पैसा मांगा है आपसे? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। हाँ। हमसे नहीं मांगा पैसा, मुझसे नहीं मांगा है जी। जो जिस वारंटी को मतलब बेल्ट टूट गया था उससे पैसा मांगा है। आपके बेटे को अभी भी डर है कभी भी एनकाउंटर पुलिस कर सकती है? अब तो जेल भेज दिया है जी, जो हो सकता है मेरे बेटे को, कुछ भी हो सकता है आपके बेटे के साथ। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना है बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव को, जिन्होंने साफ तौर से बड़ा बयान भी दिया है और संदेह के घेरे में अपने ही सरकार को उन्होंने डाल दिया है। देखिए, उनसे जब हमने सवाल किया कि कल आप कहां गायब थे, आपको इतनी देर क्यों हुई फ्लोर टेस्ट में पहुंचने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं यहां फंसा हुआ था। और जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस ने जो है जेल भेज दिया है, अब ऐसे में मिश्री लाल यादव का सीधा सीधा आरोप है कि एनकाउंटर कभी भी हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा भी उसमें हिस्सेदारी है और बीजेपी के ही विधायक मिश्री लाल यादव का सीधा सीधा बड़ा आरोप सीधे सीधे अपने ही सरकार पर उन्होंने लगा दिया है। मिश्री लाल यादव बीजेपी से विधायक हैं और पहले भी मिश्री लाल यादव ने बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी के कई नेता सांसद उनकी हत्या करवा सकते हैं। और ऐसे में मिश्री लाल यादव ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।